हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेश लॉन्ग बीन्स की सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेश लॉन्ग बीन्स की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश ताजी लॉन्ग बीन्स लिया है, उसको गुजराती में लीली चोली भी बोलते हैं। तो ये लॉन्ग वाली बीन्स है, एकदम बारीक वाली, और अंदर छोटी छोटी साइज का बीन्स का सीड भी है, और उसकी सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो ये लॉन्ग बीन्स को हम कट करके रेडी करेंगे। एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि सब्जी है ना ज्यादा टेस्टी बनेगी और फटाफट ये सब्जी बन जाएगी। तो जितना हो सके उतना छोटे छोटे पीसेस में ये बीन्स को कट कर सकते हो। तो मैंने एक बंस लॉन्ग बीन्स लिया था ना, उसको मैंने कट करके रेडी कर लिया है। तो ये सब्जी में डालने के लिए हम टमाटर को भी कट करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज का टमाटर लिया है, तो टमाटर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लेते हैं। तो लॉन्ग बीन्स को भी हमने कट कर लिया है और टमाटर को भी कट कर लिया है। तो चलिए कितनी लॉन्ग बीन्स है वो हम कप में भर के देख लेते हैं। तो 3 कप हमने लॉन्ग बीन्स लिया है कट किया हुआ। उसके बाद 2 मीडियम साइज का टमाटर को कट किया था ना, तो अराउंड 1.5 कप जितना कट किया हुआ टमाटर है। तो चलिए सब्जी बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, थोड़ी सी हींग, उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, उसके बाद लॉन्ग बीन्स को कट किया था ना वो डाल देते हैं। तो 3 कप हमने कट किया हुआ लॉन्ग बीन्स लिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, अच्छे से बीन्स को मिक्स करेंगे। तो ये सब्जी आप कुकर में भी बना सकते हो, कढ़ाई में भी बना सकते हो। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर अराउंड 7 से 8 मिनट के लिए ये सब्जी को पकने के लिए रख देते हैं। 8 मिनट के बाद हम सब्जी को देख लेते हैं। तो बीन्स है ना वो हमारी पोनी जैसी गल चुकी है। तो बीच में हम 1 टेबल स्पून जितना लहसुन की चटनी डाल के अच्छे से सब्जी को मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्जी में मैं लहसुन की चटनी डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो रेगुलर चिली पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद हमने 2 टमाटर को कट किया था ना वो डाल देते हैं। टमाटर डाल के अच्छे से टमाटर एंड बीन्स को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं फिर से लहसुन की चटनी डाल रही हूँ। कलर भी उतना सब्जी में नहीं आया है। तो लीजिए हमने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये सब्जी को हम फिर से मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं ताकि टमाटर डाला है ना वो भी अच्छे से गल जाए। पांच मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल टमाटर नहीं दिखता है उसमें। और ये बीन्स है ना वो भी अच्छे से गल चुकी है।
तो ऊपर से 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इस सब्जी को आधे मिनट तक इस तरह से मिक्स किया था, तो टमाटर की ग्रेवी भी बन गई है। तो गर्मा गर्म सर्व करने के लिए हमारी लॉन्ग बीन्स की सब्जी रेडी हो चुकी है। तो ये सब्जी हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग बीन्स की सब्जी बना के ये सब्जी है ना दाल चावल रोटी के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी, उसके साथ जरूर सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।